इंदौर से 30 किलोमीटर दूर सिमरोल भेरूघाट पर हुए बस हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नेता और मंत्री भी इस हादसे पर दुख प्रकट करते नजर आए। मंत्री तुलसी सिलावट ने हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि सरकार सभी 28 घायलों का निशुल्क इलाज देगी। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बस चालकों को ऐसे मार्ग पर ड्राइविंग का खासा ध्यान रखना चाहिए और ओवरटेक करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर अच्छापुर मार्ग पर 6 लेन का काम जारी है, ऐसे में आगे ऐसा हादसा ना हो इसकी कामना करते हैं। ये एक दुखद घटना है, 28 लोग यहाँ पर भर्ती हैं, इनके इलाज की सुचारू रूप से व्यवस्था हो गई है। सारे डॉक्टर से लेकर स्टाफ नर्स से लेकर एनएम से लेकर हर लोग इलाज के उपचार में लगा है और इस दुखद घटना में लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए एक राहत राशि दी है। जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये की बात कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी है, जो यहाँ पर 28 लोग आए हैं इनका उपचार अच्छे से हो, इनको ठीक करें, ये हमारी प्राथमिकता। बंधु, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और पास की पंचायत में भी मैं बैठक ले रही थी, तुरंत सभी ग्रामीण भाई बहन दौड़े और सबने भरपल्ले मदद। मैं उन सब ग्रामीण युवाओं को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबसे पहले सहायता के लिए पहुँचे। मेरे वहाँ सुरेश जायसवाल सरपंच है गांव का, वो और सारी टोली सिमरोल मंडल की चोरल के सब लोग भागे और तुरंत हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था तो 4-4 एम्बुलेंस स्पॉट पे पहुँची। जो गंभीर मरीज थे उनको एम्बुलेंस से भिजवाया, जो कम घायल थे उनको यात्रियों के वाहन रोक के उनके माध्यम से भेजा, कुछ लोडिंग रिक्शे में भी भेजे जिनको थोड़ी करोचे थी और हर संभव कोशिश की कि शीघ्र वो घायल इलाज को प्राप्त कर सके। इधर ठाकुर साहब से बात की है, सारे इंतज़ाम थे और आप देख रहे कि 1 घंटे के अंदर चोरल से यहाँ आके उनका इलाज प्रारंभ हो गया। दुर्देव से जिनकी जो मृत्यु को प्राप्त हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि उन्हें 4-4 लाख की सहायता मिलेगी और जो घायल हमारे भैया बहन हुए हैं उनको 50,000 रुपये की मदद हम करेंगे। इलाज सारा निःशुल्क मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी, उनकी हर तकलीफ में हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। जी, सरकार क्या कदम उठाएगी जो लापरवाही बातें जो चलाई जाती है इन लोगों के खिलाफ? उनके खिलाफ भी निश्चित कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि जितनी स्पीड से उससे ज़्यादा क्यों तुम भगा रहे थे, क्यों ओवरटेक करते हैं ये लोग, इतने लोगों की जान से खेलते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। और रही, आप सब जानते हैं कि पूरा खंडवा रोड से 6 लेन रोड इच्छापुर तक जा रहा है और उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मुझे लगता है भगवान, इसके बाद कोई दुर्घटना इस प्रकार की उस मार्ग पर नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। हादसे को लेकर ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता ने कहा कि स्पॉट पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और बस किसी गुरु कृपा ट्रेवल्स की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 मृतकों को जिला अस्पताल भेजा गया है। इधर बड़े सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों के सहयोग की हर कोई तारीफ कर रहा है, वहीं अब प्रशासन एक बार फिर बसों की गति, फिटनेस और अन्य जांचों में जुट जाएगा, क्योंकि हादसा तो हो चुका है और अब केवल उस पर मरहम लगाने की कोशिश की जा सकती है। फिलहाल माना जा रहा है कि कुछ समय बाद हर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इंदौर सहित सीमा से सटे हुए इलाकों में बारिश का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।